ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिर्निभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तातिस्तुतममर्गणैः व्याघ्रकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं नमः पार्वतीपते हर 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 महादेव। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बर्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा, लेकर आया हूं आपका साप्ताहिक राशिफल। आइए सबसे पहले देखते हैं मेष राशि। तो मेष राशि के जो जातक हैं उनको इस सप्ताह अपने काम पर बेहद ध्यान देने की जरूरत है। ऑफिस में अभी और मेहनत कर अपनी जगह बनाने की कोशिश करें, किसी भी प्रकार से आप खुद को ठीक रख पाने में कामयाब होंगे। आपको भाग्य के भरोसे ज्यादा नहीं रहना है। सप्ताहांत अभी निवेश संबंधित किसी भी उद्यम की शुरुआत करने में दूसरों के भरोसे ना रहें। तो आपके लिए जो शुभ उपाय है, आप मूंगा पहने। अब आते हैं वृषभ राशि की तरफ। तो वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। संबंधों में बढ़ोतरी होगी जिससे आपका रिश्ता गहन होगा। आपकी योजनाएं फलीभूत होकर आपको बड़ा फल प्रदान करेगी। यात्रा करने के लिए सप्ताह उत्तम रहेगा। इस सप्ताह आप आनंद और उत्साह के साथ काम करेंगे, लेकिन परिणाम शायद उम्मीद से कम हो सकते हैं। खासकर शुरुआत में कोई भी निर्णय लेने में सतर्क रहना होगा। अभी खासकर मनोरंजन, रचनात्मक क्षेत्रों या चल और अचल संपत्ति, वाहन, कृषि संबंधित कार्यों में ज्यादा तकलीफ भी हो सकती है। मार्केटिंग और ट्रेडिंग के कार्यों के लिए कुल मिलाकर ये समय बेहतर है। तो आपके लिए उपाय है कि आप भगवान भोलेनाथ पर नित्य प्रति जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने के बाद पर उन को 3 बिलपत्र अवश्य चढ़ाएं। इससे आपका सौभाग्य बढ़ेगा। अब आते हैं मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको इस सप्ताह आपके जो फल है मध्यम फलदायक रहेगा। ऑफिस में आपको कोई नई जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। आप किसी नई प्रॉपर्टी को भी खरीद सकते हैं। कुछ बेवजह की चिंताओं से आप ग्रसित रह सकते हैं जिनसे बाहर निकलने में आपको समय लग सकता है और आपको काफी कोशिश भी करनी पड़ेगी। आप कोई फंक्शन को अटेंड कर सकते हैं। यात्रा के लिए सप्ताह के मध्य से अंतिम दिन बढ़िया रहेंगे। इस सप्ताह आप प्रेम संबंधों में ओतप्रोत रहकर करेंगे। पहले दिन थोड़ी प्रतिकूलता होगी, लेकिन इसके बाद यात्रा या प्रिय पात्र के साथ घूमने जाना, कम्युनिकेशन या उनका साथ भी मिल सकता। तो आपके लिए जो उपाय है, आपके लिए मैं एक मंत्र बताने जा रहा हूं। ओम होम जूम शाह, इस बीज मंत्र का यथाशक्ति जाप करना आपके लिए श्रेयस्कर है। अब आते हैं कर्क राशि। तो कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह सप्ताह मध्यम फलदायक रहेगा। आपकी कई गलतियां भी हो सकती हैं जिसका कुछ लोग फायदा भी उठा सकते हैं। आपको अपने बिजनेस को नई गति देने के लिए नया फाइनेंसर ढूंढना पड़ सकता है। यात्रा के उद्देश्य से सप्ताह का मध्य आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आपके लिए मैं शुभ उपाय बता रहा हूं। आप जल में काले तिल डालकर, कच्चा दूध डालकर भगवान शिव को नित्य प्रति अर्पण करें, जिससे आपकी आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी। अब आते हैं सिंह राशि। तो सिंह राशि के जो जातक हैं उनको यह सप्ताह बहुत शुभ रहेगा। आप सभी चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। वैसे इस दौरान आप खासे उत्साह से भरे रह सकते हैं। यह उत्साह आपकी मेहनत को सफल बनाने में आपके बहुत काम आएगा। बस आपको अपनी आर्थिक स्थिति को कंट्रोल में रखना होगा। भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए। इस सप्ताह रचनात्मक क्षेत्रों जैसे डिजाइनिंग या इससे जुड़ी अन्य सेवाओं या प्रोडक्ट कंसल्टेंसी, रियल एस्टेट, लाल रंग की वस्तुओं, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के कार्यों में हो तो उनके लिए कुल मिलाकर बेहतर समय है। भागीदारी के कार्यों में भी सतर्क रहना चाहिए। शिक्षा, मीडिया, बैंकिंग आदि की परेशानी दूसरे दिन से हल्की रहेगी।
कामकाज से संबंधित यात्राओं में भी थोड़ा विलंब हो सकता है। तो आपके लिए शुभ उपाय है, आप नित्य प्रति गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। अब आते हैं कन्या राशि। तो कन्या राशि के जो जातक हैं, उनको यह सप्ताह अपने काम में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और अपनी खुशियों और सफलता के सपने आप खूब बुनेंगे। लेकिन ध्यान रहना चाहिए कि जोश में आप होश ना खोएं, नहीं तो सिर्फ काम में नुकसान भी हो सकता है। कार्य क्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से आपको सावधानी की विशेष आवश्यकता है। जमीन जायदाद से जुड़े कुछ झमेले भी आ सकते हैं, लेकिन किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मध्यस्थता से बहुत हद तक आप उसको सुलझाने में कामयाब भी होंगे। तो आपके लिए शुभ उपाय है कि आप नित्य प्रति भगवान भोलेनाथ को दूर्वा अर्पण करें। अब आते हैं तुला राशि। तो तुला राशि के जो जातक हैं, उनको इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में विरोधी आपके कार्य में अड़ंगे डाल सकते हैं। किसी भी करीबी व्यक्ति की सेहत को लेकर आपका मन भी चिंतित रह सकता है। अचानक लंबी या छोटी दूरी की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। आप ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। घर हो या कार्य क्षेत्र, लोग आपकी बातों से खूब प्रभावित होंगे और आपको दी गई सलाह या प्रपोजल की तारीफ भी काफी होगी। तो आपके लिए शुभ उपाय है कि आप एक पंचमुखी रुद्राक्ष को अपने गले में धारण करें। अब आते हैं वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, उनको इस सप्ताह आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए आपको सहज ही अवसर प्राप्त होंगे। समय का सदुपयोग करना चाहिए और आज का काम कल पर टालने से नहीं बचे, नहीं तो हाथ में आया अवसर भी निकल जाएगा। कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही करने से आपको बचना चाहिए। निजी संबंधों से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें। किसी भी प्रकार का उतावलापन आपके न सिर्फ संबंधों पर बल्कि आपकी प्रतिष्ठा पर भी आंच डाल सकता है। तो आपके लिए शुभ उपाय है कि आप नित्य प्रति भगवान भोलेनाथ का शिव कवच स्त्रोत्र का पाठ करें। अगर शिव कवच स्त्रोत्र का पाठ नहीं कर सकते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र सूक्ष्म मंत्र का ही आप यथाशक्ति जाप करें। मंत्र है त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् मा उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का कम से कम 108 बार बिना बीज के आप जाप कर सकते हैं। अगर बीज सहित करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आते हैं धनुराशि। तो धनुराशि के जो जातक हैं, इस सप्ताह आपका सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आप पाएंगे कि आपके सारे काम बनते चले जा रहे हैं और उसमें अनजान लोगों तक का सहयोग भी मिल रहा है और दूसरों का जोड़ने की अद्भुत कला की मदद से आप इस सप्ताह नए मित्र भी बनाएंगे, जिनकी मदद से भविष्य में लाभ की भी संभावनाएं बनेंगी। किसी की बातों में ना आए वरना बाद में आपको पछताना भी पड़ सकता है। अपने बिजी शेड्यूल में से अपनों के लिए समय जरूर निकालें। तो आपके लिए शुभ उपाय है कि आप भगवान भोलेनाथ को शमी पत्र अर्पण करें। अब आते हैं मकर राशि। तो मकर राशि के जो जातक हैं, उनके लिए यह सप्ताह का समय प्रबंधन आपके लिए कठिन रहेगा। आपकी सोच या फिर कहें आपके विचार आपको घर की बजाय पूरी तरह कार्य क्षेत्र में फोकस करने के लिए मजबूर करेंगे। आपका काम एवं आपका करियर जहां आपको एक तरफ व्यस्त रखेगा, आप भूमि भवन आदि से जुड़ा कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले बाहर ही निपट जाने पर आप संतोष का अनुभव करेंगे। तो आपके लिए जो शुभ उपाय है कि गंगा जल में कुसा डाल के कुसोदक जल से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। अब आते हैं कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के जो जातक हैं, उनको यह सप्ताह अचानक से कुछ बड़े खर्चे आ जाने के कारण आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। बेरोजगार लोगों को रोजी रोजगार के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। मन की शांति और सुकून पाने के लिए सप्ताह के अंत में आउटिंग पर भी जा सकते हैं। सोच समझकर आपको कदम बढ़ाना चाहिए। आप भगवान शिव पर नित्य प्रति तिल चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं। अब आते हैं मीन राशि। तो मीन राशि के जो जातक हैं, उनको यह सप्ताह आप अपने कार्य क्षेत्र विस्तार करने के लिए सही दिशा में कदम उठाएंगे।
धन का प्रवाह सुगम होगा, आय के विभिन्न स्रोत भी बनेंगे, लेकिन आय के मुकाबले खर्चे की अधिकता रहेगी। सप्ताह के मध्य किसी खास व्यक्ति के प्रति लगाव बढ़ सकता है। कार्य क्षेत्र में कामकाज का थोड़ा ज्यादा बोझ भी बना रहेगा, तो आपके लिए शुभ उपाय है आप दूध दही घी शहद और बूरा पांच चीज मिला के पंचामृत बनाकर भगवान शिव का नित्य प्रति अभिषेक करें, जिससे आपके सारे बिगड़े कार्य बनते चले जाएंगे। इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले सप्ताह आपके नई राशि फल के साथ। आत्मा त्वं गिरजामते सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थित संचार पदयो प्रदक्षिण विधि तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं संभोस्तवाराधनम। किसी भी प्रकार से हर प्रकार से श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। जल नित्य प्रति जल चढ़ा सकते हैं, बिलपत्र चढ़ाएं और भगवान का महामृत्युंजय मंत्र का जितना हो सकता यथाशक्ति पाठ करें। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय।